अखिलेश के गढ़ में गर्जा बाबा का बुलडोजर, मॉनसून ऑफर का योगी ने दिया तगड़ा जवाब। आधी रात को भी जो अब्दुल खटखटा देता था अखिलेश का दरवाजा, उसकी बीवी निकली खिलाड़ी। फरजाना ने किया ऐसा फर्जी काम, डीएमएसपी का भी हिला दिमाग, फिर खुली पति पत्नी की फाइल। मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी भी इसके कारनामे के आगे फेल होंगी। अतीक की पत्नी शाहिस्ता परवीन भी इससे ट्यूशन लेना चाहेंगी। यूपी की नई लेडी माफिया कौन है, जिसका पति अखिलेश का इतना करीबी है, वो आधी रात को भी सैफई के शीश महल का दरवाजा खटखटाने की पावर रखता है। यूपी के पुलिस डिपार्टमेंट में ये चर्चा है कि सपा नेता अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना सबसे बड़ी फ्रॉड है, उसने जो किया उसे सुनकर यूपी के 72,000 पंचायतों के प्रतिनिधि हिल उठे हैं। पर हर किसी के मुंह पर ताला इसलिए लगा है क्योंकि फरजाना का पति अब्दुल अखिलेश का सबसे बड़ा करीबी था। मैनपुरी जिले में सपा का बहुत बड़ा नेता था, पर बाबा का बुलडोजर जब उसके घर पहुंचा तो उसकी हवा खराब हो गई। उसके कारनामे क्या थे पहले वो सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि बाबा के इस कदम से अखिलेश का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। फरजाना का फर्जी वाला, जिस करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक रहे हैं, उसी करहल पंचायत की तालाब वाली जमीन पर अब्दुल नईम ने कब्जा किया था। अपनी पत्नी फरजाना के नाम से उस पर आयशा मैरिज हॉल बना दिया था, जहां शादी और निकाह दोनों होते थे। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव यादव ने इसकी शिकायत सीधा सीएम योगी से की थी। उन्होंने ये तक लिखा था कि अब्दुल नईम ने नोटरी स्टाम्प पर कई जमीनें बेची हैं। जांच के बाद अब्दुल का मैरिज हॉल पंचायत की जमीन पर मिला, जिसे ढहाने के लिए एडीएम एसडीएम और पीएससी की चार कंपनियां पहुंची और 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2.5 मिनट में गिरा दिया। बाबा का बुलडोजर जब अखिलेश के गढ़ में गरज रहा था, तब अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ बंगाल में रैली कर रहे थे। ममता अखिलेश की तारीफ में ये कह रही थी कि आपने बंगाल में जो किया वो बड़ा शानदार था। पर अखिलेश जब वापस घर लौटे तो अपने अब्दुल की ये हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि इससे अखिलेश की सियासी पकड़ भी कमजोर हुई है। आने वाले कुछ दिनों में करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। साल 2022 में अखिलेश इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन साल 2024 में कन्नौज से जैसे ही सांसद चुने गए ये सीट छोड़ दी और अब बीजेपी की इस सीट पर नजर है। करहल में योगी की पहली जीत, अब्दुल नईम और फरजाना के फर्जीवाड़े पर बुलडोजर का चलना योगी की पहली जीत मानी जा रही है। करहल का मुलायम सिंह यादव से खास लगाव रहा है, यहीं के इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की थी। साल 1993 से सीट पर सपा का कब्जा रहा है। 2002 में बीजेपी ने जीत हासिल की, पर विधायक सपा में चले गए। रामपुर और आजमगढ़ की तरह ही इस बार सीएम योगी करहल सीट पर नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। करहल की जो जनता घोटाले और तमाम दिक्कतों से परेशान होती है, उसे बुलडोजर में उम्मीद दिख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर खेला पलट सकता है, मतलब अब्दुल और फरजाना के निकाह घर पर बुलडोजर चलाकर योगी ने करहल में अखिलेश को बड़ी चुनौती दी है। बस अब इंतजार चुनावी तारीखों के ऐलान होने का है। जो अखिलेश यादव अब तक ये सोच रहे थे कि योगी की कुर्सी पर खतरा है, खुलेआम ये ट्वीट करके कह रहे थे कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, 100 विधायकों को लाओ और सरकार बनाओ, वो अब अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे सरकार छोड़ो, पहले अपना गढ़ बचाओ। योगी की कुर्सी पर खतरा पैदा करने वाले विरोधी भी ये समझ गए होंगे कि हालात चाहे कैसे भी हों, माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर गरजता रहेगा।